गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर एट चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। टुडे आई विल बी टीचिंग यू 12.3 फ्रिक्शन, अ नेसेसरी इविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इज इट इजी टू होल्ड अ कुल्हड़? ओके, मतलब हमारा एक्सपीरियंस हमको रिवाइज करना है कि आपने कभी कुल्हड़ पकड़ा है अपने हाथों में? कुल्हड़ क्या होता है? अर्थन पॉट उसे कहते हैं, जो मिट्टी का बनता है, जिसमें मोस्टली हमें चाय मिलता है, टी। जब हम ट्रैवल करते हैं तो कुन्नड़ में आपने देखा है स्टॉल्स होते हैं, टी स्टॉल्स, तो उसमें हमें कुन्नड़ में टी पीने को देते हैं। और अ ग्लास टम्बलर, कुन्नड़ लेना है या ग्लास टम्बलर लेना है, ये मिट्टी का बनेगा कुल्हड़। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। अभी हमें क्या सपोज करना है कि जो आउटर सरफेस है, बाहर का सरफेस है टम्बलर का, वो क्या है? ग्रीसी है, मीन्स चिकना है, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। ग्रीसी है, या तो उस पर एक लेयर है, थिन लेयर किसकी? कुकिंग ऑयल की, उसके आउटर सरफेस पे। वुड इट बिकम ईजी और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? अब जब वो पूरा उसका आउटर सरफेस ग्रीसी और ऑयली है, तो वो ईजी होगा होल्ड करने में कि डिफ़िकल्ट होगा? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? अब आप सोचो कि अगर ऐसे फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या हम उस ग्लास को पकड़ सकेंगे कि वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा ना। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। अब आप सोचो कि आप वेट मडी फ्लोर पे, मट्टी वाले फ्लोर पे, जो वेट है थोड़ा, वहाँ पे चलेंगे तो मडी ट्रैक है उस पे चलेंगे तो उस पे तो आसानी नहीं होगी चलने में। जो मट्टी गीली होगी उसमें हमारे पैर अंदर की तरफ धंसते जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। और अगर वेट मार्बल फ्लोर है तो हम उसमें स्लिप होते हैं, तभी भी चलना मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप चल पाएंगे प्रॉपरली? यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन? हम एक पेंसिल को भी होल्ड नहीं कर सकेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हमारी फिंगर्स और पेंसिल के बीच में तो। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. जब मैम चॉकलेट चॉक से ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है? जो रफ़ सरफेस होता है, क्योंकि ब्लैकबोर्ड तो स्मूथ होता है, जो रफ़ पार्टिकल्स होते हैं इस चॉक के, वो जाके ब्लैकबोर्ड पे स्टिक करते हैं। कुड इट हैपन्स इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या ये स्टिक होंगे? If an object started moving, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट होता है, it would never stop if there were no friction. क्या वो रुक नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो? फ्रिक्शन के कारण ही उसका स्पीड कम होता है और वो रुकता है, वो रुक नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। Had there been no friction between the tire of the automobiles and the road, they could not be start or stop or turn to change the direction of the motion. अब बोल रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हमको स्टार्ट करने में, व्हीकल और स्टॉप करने में प्रॉब्लम होगी? यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और आप एक कील भी जो है वॉल पे नहीं लगा सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। विथआउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और फ्रिक्शन के बिना कोई बिल्डिंग भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन ईविल टू, अब ये सारी चीज़ें तो हमारी फ्रिक्शन के कारण ही हो रही है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन फ्रिक्शन जो है एक ईविल भी कंसिडर किया गया है। इट वेयर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल्स, बियरिंग और सोल्स ऑफ शू। ठीक है, फिगर 12.8 में देखो, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि हमारे सोल जो हैं फट जाते हैं, रफ़ सरफेस से जब ये स्मूथ सरफेस कांटेक्ट में आता है तो ये टेयर हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए हार्म करता है फ्रिक्शन।
यू मस्ट हैव सीन वोन आउट स्टेप्स ऑफ फूट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट. Vigorously rub your palm together for a few minute. अगर हम हमारे palm को कुछ मिनट के लिए रब करें, जैसे 12.9 फिगर में रब कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम रब करते हैं तो how do you feel? कैसा होता है? गर्म हो जाता है हमारा वो हैंड, तो किसके कारण हो रहा है? हीट के कारण. तभी ये कह रहे हैं फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. When you stick a matchstick against the rough surface, it catches fire. जब आप एक matchstick को rough surface में, ये match box के corners पे ये rough surface होता है, तो जब आप matchstick को इस पे rub करते हो तो क्या होता है? एक fire उसमें produce होता है, मतलब matchstick burn हो जाता है. You might have observed that the jar of a mixer become hot when it is run for a few minute. अभी आपने कभी अगर मिक्सी पे वर्क किया हो, मिक्सी में कुछ पीस रहे हैं, कंटिन्यूस हम उसमें कुछ ग्राइंड करते जाएंगे तो क्या होगा? वो हॉट हो जाता है. You can cite various other example in which friction produce heat. इसी तरह हम बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के कारण. इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉसेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी. सो व्हेन अ मशीन जो है उसमें हम कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो क्या होता है? हीट जनरेट होता है एंड इट causes waste of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. अब आगे के सेक्शन में हमको ये बताएंगे कि किस तरह हम कम करें फ्रिक्शन को. इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, किस तरह इंक्रीज और रिड्यूस करेंगे हम फ्रिक्शन को. 12.4 As you have seen in the previous section में हमने क्या देखा था? Friction is desirable in some situation. Friction जो है ज़रूरी होता है बहुत सी situation में. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? 12.11 figure में जो है इसमें आपको ये sole of your shoe दिख रहा है, तो ये इस तरह का क्यों होता है, मतलब एक smooth क्यों नहीं होता है? It is done to provide the shoe better grip on the floor. ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे उसका gripping power जो है shoe का floor से अच्छे से बैठे, so that you can move safely. जिसके कारण आप अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं. Similarly, the tire of cars, trucks and bulldozer provide better grips with the ground. अभी ये जो टायर हैं ट्रैक्टर के या किसी भी व्हीकल के, इतने बड़े बड़े जो टायर व्हीकल में टायर्स यूज़ होते हैं, तो वो ऐसे शाइनिंग और स्मूथ सरफेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा ग्राउंड और टायर के बीच में, इसलिए ये उसको रफ थोड़ा सा बनाता है और शेप उसको डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शंस में जो है हेल्प करते हैं. दैट्स वाई ये शाइनिंग और स्मूथ नहीं होता है. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. हम friction को किस तरह से increase करते हैं? By using brake pad in the brakes. ठीक है, brake pad हम उसमें brake में लगाते हैं तो क्या होता है? Friction उसमें इंक्रीज हो जाता है. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल द ब्रेक्स पैड डू नॉट टच द व्हील. जो ब्रेक पैड होते हैं वो व्हील को टच नहीं करते हैं. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवल द पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. जब हम ब्रेक उसमें लगाते हैं तब वो जाके रिम से अटैच होके और फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करता है. द व्हील स्टॉप मूविंग, जिसके कारण व्हील जो है घूमना बंद करता है. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स. आपने कभी कबड्डी खेली है या कबड्डी गेम आपने वॉच किया है टेलीविजन पे या ग्राउंड में स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि कबड्डी खेलने से पहले वो अपना हैंड जो है वो क्या स्वेट वाला होता है, तो स्लिपली होता है, तो हम किसी को अच्छे से पकड़ नहीं सकेंगे, ग्रिपिंग पावर नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसको सॉइल से जो है रब करते हैं कि जैसे जो है स्वेट और जो ऑयलीपन है वो हट जाए.
जिमनास्टिक अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। अब जब जिमनास्टिक भी अगर आपने कभी टीवी में देखा है या लाइव देखा है तो आपने देखा होगा कि जो जिमनास्टिन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस लगाते हैं अपने हैंड में जैसे उनका ग्रिपिंग पावर ज़्यादा देर तक रहे। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वॉन्ट टू मिनिमाइज इट। किसी किसी कंडीशन में हमको फ्रिक्शन जो है किसी किसी कंडीशन में हमें जो है फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। अभी आप कैरम आपने गेम देखा होगा, आपने खेला भी होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं एक पाउडर को स्प्रेड करते हैं। ये 12.12 फिगर में दिख रहा है, बच्चे कुछ कैरम खेल रहे हैं, इसमें पाउडर है, स्प्रेड करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर द डोर मूव स्मूथली। अच्छा, आपने कैरम पे क्यों पाउडर डाला, जैसे उसका थोड़ा सा रफ सरफेस हो, क्योंकि कैरम बहुत स्मूथ होता है, तो वो रफनेस से क्या होता है, ग्रिपिंग पावर जो है हमारी जो गोटी है इसमें खेलने की जो डाइस है उससे हम अच्छे से खेल सकते हैं। और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हम डोर में डालते हैं, उसकी जो स्क्रूज होते हैं वो आवाज करते हैं और टाइट हो जाता है कभी दरवाज़ा, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स उसमें ऑयल डालते हैं, फिर स्मूथ हो जाता है, फिर वो स्मूथली खुलता है। अ बाइसाइकिल एंड अ मोटर मशीन यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन्स। और बाइसाइकिल और मोटर व्हीकल जो हैं उनमें भी ये ग्रीस यूज़ किया जाता है जैसे उनके पार्ट्स जो हैं स्मूथली वर्क करें। इन ऑल द अबाउ केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये सारे केस में हम क्या फ्रिक्शन उसका बढ़ाना चाहते हैं जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी रहे, ज़्यादा समय तक वो चीज़ चल सके। व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन अ थिन लेयर इज़ फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेन ईच अदर। सो जब हम ऑयल और ग्रीस और ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं किसी भी दो मूविंग पार्ट्स के बीच में तो क्या होता है, एक थिन लेयर फॉर्म होता है विच फॉर्म देयर एंड मूव सरफेस मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली लब अगेंस्ट ईच अदर। जो मूविंग सरफेस है वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं होता है, इनके बीच में से सरफेस वन है और सरफेस टू है, इनके बीच में जो है लुब्रिकेंट आ जाता है, तो ये आपस में जो है टकराते नहीं हैं और स्मूथली वर्क करते हैं और ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब अच्छे से वो चल सकती हैं, ख़राब नहीं होंगी। इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज अवॉइड ड्यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट मूवमेंट बिकम स्मूथ। और जो मूवमेंट होता है मशीन का वो स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। और जो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, इसको अंडरलाइन कर दो, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो सब्सटेंस ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, मतलब कम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। किसी किसी मशीन्स में जो है ऑयल लुब्रिकेंट्स के तौर पे डालना एडवाइजेबल नहीं होता है। एंड एयर सक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और एयर सक्शन वहाँ पर यूज़ किया जाता है मूविंग पार्ट्स के बीच में ताकि वहाँ पर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। नाउ व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। नाउ हाउ दिस व्हील्स, मतलब टायर होता है ट्रॉली में होते हैं, तो ये कैसे रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। यू मस्ट हैव सीन अटैच एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। आपने ये सूट केसेस में और बैग्स में देखे होंगे ये लगेजेस में कि ये रोलर्स कैसे ये अटैच होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, मतलब एक बच्चा भी उसके ये व्हील्स की हेल्प से जो है लगेज भारी से भारी को आराम से ले सकता है। व्हाई इज़ इट सो, लेट अस फाइंड आउट। सो एक्टिविटी हम देखते हैं, टेक अ फ्यू पेंसिल, ये इससे रिलेट नहीं है तभी भी हम एक्टिविटी देख लेते हैं। फ्यू पेंसिल्स लेनी है, आपको दिख रही है इधर पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं पेंसिल्स, तो प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर, हमको इनको पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल दिख रही हैं ये इस तरह से हैं तो ये पैरेलल हैं एक दूसरे के।
प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, उसके ऊपर एक मोटी सी बुक रख दो। नाउ पुश द बुक, अब बुक को पुश करो, सॉरी, सो यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एट द बुक मूव एज द बुक मूव, आप देखेंगे कि जैसे बुक मूव हो रही है, हमने बुक को पुश किया तो पेंसिल जो है रोल हो रही है। डू यू फील इट ईजी टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट, क्या आपको ईजी लगा ये वे कि आपने ऐसे स्लाइड कर दी, वो इजी था। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस, क्या आपको लग रहा है कि इससे जो है उसका रेसिस्टेंस रिड्यूस हुआ है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट, आपने इसी तरह देखा होगा कि हैवी मशीन्स को जो है इसी तरह आगे बढ़ाया जाता है उसमें लॉग्स लगा के। सो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, जब एक बॉडी है जैसे बुक है, एक एक है पेंसिल, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है द रेसिस्टेंस ऑफ इट मोशन इज कॉल्ड, और जो रेसिस्टेंस उस समय उस मोशन का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग जो है फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, और ईजी होता है रोल करना एज़ कम्पेयर टू उसको स्लाइड करवाने से। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स, इस यही रीज़न है कि जो लगेजेस में रोलर्स लगे होते हैं उससे हम भारी से भारी वेट जो है आराम से रोल कर सकते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज़ सेट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, अब हम इसके थ्रू ये बोल सकते हैं ना कि ये बहुत अच्छा इन्वेंशन है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि भाई हम भारी सामान को भी बच्चा उठा सकता है। सो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉलर है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूसेस ऑफ बॉल बियरिंग। सो हेयर रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉलर है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग, ओके मशीन्स में उसको रिप्लेस करते हैं बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग, किसके हेल्प से वो रोल हो रहा है, बॉल बियरिंग के हेल्प से। कॉमन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बॉल बियरिंग, आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हर्ब्स एंड एक्शंस ऑफ सीइंग फैन एंड बाइसाइकिल, ये आप इसमें देखिए बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ये बॉल्स होती हैं बियरिंग, ये साइकिल में आपको मिलेंगी, ये छोटे छोटे छर्रे बोलते हैं हिंदी में। सो इससे ब्रेक लगते हैं अपने, फिर ये छर्रे घिस जाते तो अपना ब्रेक खराब हो जाता है ना, सो दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, ये हमें पता है कि एयर जो है लाइट है और थिन है, येट इट एग्जर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, तभी भी वो क्या एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है जो ऑब्जेक्ट उधर मूव हो रहा हो। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी तरह जिस तरह एयर फ्रिक्शन दे रहा है उसी तरह वाटर और दूसरे लिक्विड्स हैं वो एक्सर्ट करते हैं फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, जब ऑब्जेक्ट उधर मूव होता है तो वो उधर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैशियस एंड लिक्विड इज़ फ्लूइड, साइंस में जो कॉमन नेम गैस और लिक्विड का है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। So we can say that fluid force of friction on object into, sorry, on object motion through them. So we can say that fluid exert force of friction, जो fluid है वो force of friction को exert करता है एक object पे, object in motion through them. The friction force exert टर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रही है इस फ्लूइड से उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग। द फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे वो उसके फ्लूइड पे डिपेंड होती है ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो फ्रिक्शनल फोर्स है किस पर डिपेंड होता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे और नेचर ऑफ द फ्लूइड पे।
इट इज़ ऑब्वियस दैट वैन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड पे मूव होता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्शन ऑन देम, उनको जो है फ्रिक्शन एक्शन से ऊपर उठना होता है. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस कारण वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं. एफर्ट्स आर देयर फोर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप. अब एफर्ट्स लगते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए जाते हैं जैसे फ्रिक्शन कम हो. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप, आप कैसे क्या सोचते हैं कि साइंटिस्ट को कैसे हिंट मिलता है कि हम किस तरह एयर में फ्रिक्शन को कम करें, तो कौन सा शेप रखें, है ना. फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, नेचर को देख के ही साइंटिस्ट को फ्रिक्शन समझ आया और फ्रिक्शन कैसे कम करना चाहिए एयर में वाटर में, उनने वो नेचर को देख के ही सीखा. जैसे बर्ड और फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम, बर्ड्स को एयर में, मैंने बोला गैस और ये सब मिलके हमारा फ्लूइड फॉर्म करता है एयर में और वाटर मिलके, सो बर्ड और फिशेस का शेप देख के हमारे साइंटिस्ट शेप डिस्कवर करते हैं कौन सा शेप कहाँ होना चाहिए. देयर बॉडी मस्ट हैव एनवलप टू शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी, इनका शेप ऐसा बनाया गया है कि इनकी एनर्जी जो है कम लगे इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से आगे बढ़ने के लिए इनकी एनर्जी कम लगे, इसलिए इनका बॉडी शेप ऐसा बना गया है. यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास सिक्स, आपने क्लास सिक्स में शेप्स के बारे में पढ़ा है. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, अभी 12.17 देखो, ये एरोप्लेन का शेप है, ये एक बर्ड की तरह बनाया गया है बर्ड को देख के. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन ए शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड, क्या सिमिलैरिटी आपको दिखती है बर्ड और एरोप्लेन. स्ट्रीमलाइन शेप है, हवा को काटने वाला है ना, तो ये भी उसी तरह लग रहा है. इन फैक्ट ऑल व्हीकल आर डिज़ाइन टू हैव शेप विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, और इसी तरह सारे व्हीकल्स जो हैं यही चीज़ ध्यान में रख के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म किए गए हैं. सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड दिस 12th चैप्टर. इन नेक्स्ट I will be giving you the notes of this chapter.